दोस्तों अभी जो मैं मेथड यूज करने वाला हूँ इसको हम बॉक्स मेथड बोलते हैं। बॉक्स मेथड में हम यूज करेंगे जब कोई भी दो बड़े नंबर्स दिए हों, जैसे कि यहाँ पे 524 है, 235 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वी कैन सिंपली यूज बॉक्स मेथड जो कि इंटरेस्टिंग और आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें इस नंबर्स को एजेस पे लिखना होता है। तो देखिए प्रोसेस क्या है, जैसे 524 है तो हमें उसको कैसे लिखना होगा, पहले नंबर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 524 और जो सेकंड नंबर है 235 हम इसको दूसरे एज पे इस तरह लिख सकते हैं। तो एक नंबर को मैंने जो है रोज में लिखा है और एक को मैंने कॉलम्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, सबसे पहले आपको यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमें जो गिवन ये 5 है और ये 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 10, हमारे पास 10 आ गया, तो 10 को हमें इस बॉक्स के अंदर कैसे लिखना है, 1 एक हाफ में लिखेंगे और 0 एक हाफ में लिखेंगे। फिर इसी तरह हम जाते हैं, ये 5 और 3 है, 5 3 15 हो गया, इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो, और इसको हमने कैसे लिखा, 1 को हमने एक हाफ में लिखा और 5 को एक हाफ में, 15 का ये 1 5 इस तरह हो गया। फिर जो है हमारे पास 5 और 5 है तो 5 × 5 25 होता है, सेम प्रोसेस है, हमें इसको 2 1/2 में लिखना है और 5 1/2 में लिखना है। ऑलराइट, फिर हम सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो में हमारे पास जो है 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4 हो गया, 4 हो गया, तो हमें किस तरह लिखना है, इसे हम नीचे 4 लिखेंगे और ऊपर में हम 0 रहने देंगे। ऑलराइट, फिर इसके बाद का जो नंबर है ये 2 और 3 है, 2 3 6 हो गया, तो इसी तरह हम 6 के लिए भी 0 और 6 यूज कर लेंगे और फिर इसके बाद हम सेम प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इसमें कि जो लास्ट का जो सबसे लास्ट का जो नंबर है राइट हैंड साइड में, जैसे कि यहाँ की 0 है तो हम 0 जो है वो लिख देंगे सबसे पहले। इसके बाद इससे ऊपर हम जाते हैं, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ये 3 ब्लॉक्स एक साथ में, तो इसको सारे को ऐड कर देना है हमें, तो 2 + 2 4 हो गया, तो 4 वी विल राइट हियर, देन वी विल ऐड द नेक्स्ट, तो यहाँ पे है 8 1 9 9 6 15 15 1 16 16 5 21 21 का 1 आ जाएगा और 2 जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर हम इससे ऊपर आते हैं तो 0 + 4 4 4 + 0 4 and 4 + 5 9 9 + 2 11 11 + 2 जो कैरी फॉरवर्ड में था 13 हो गया, 13 का 3 और 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड। देन यहाँ पे हम देखते हैं 1 है तो 1 और कैरी फॉरवर्ड 1 था, तो 1 + 1 2 हो गया और सबसे ऊपर हमें क्या दिख रहा है, 1, हमने 1 यहाँ लिख दिया और हमारा जो एडिशन है सॉरी मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है दैट इज 123140। सो सिंपली द आंसर इज 123140। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियोज, थैंक यू।